है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवदेवः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक व्यक्ति ने सोचा, ऐसा हमने सुनने में आया था इसलिए मैं आपके सामने बताता चाहता हूँ। वह यह है, बीज बोना है तो बीजों को साफ सुथरा करना अच्छा है, तो उसने साफ सुथरा कर लिया। कौन से बीज? मूंगफली। मूंगफली ऊपर के जो कवच था कभी बोया नहीं जाता, नहीं समझे? गुल्ली बोई जाती है, तो ऊपर के छिलका को दूर कर दिया, फिर इसके उपरांत उसके भीतर जो गुल्ली है उसको क्या था, बीज, इसको फलक बना दो, दो हो जाएंगे। बनिया है, हिसाब लगाता है, एक फली के लिए तो एक बन जाएगा, एक और दो दल है उसको बोलेंगे तो और बन जाएगा, तो पक्का तो डबल तो बनेगा ही। और साफ करके तो उसको बो लिया, बोने के उपरांत अंकुर वगैरह नहीं हुए, अड़ोस पड़ोस में तो सब चल गए, कहते क्या बात हो गई, ये बीज ठीक नहीं होगा। नहीं, बीज तो ठीक थे, क्योंकि वही तो बीज हमने भी बोए हैं तो अच्छे ढंग से आ रहे हैं, और आपने खाद वगैरह और ज़्यादा डाला था फिर भी आपके नहीं बने, क्या है क्यों बने? तो आपने क्या बोया था? बीज बोए थे साफ सुथरा करके अच्छे ढंग से, जैसे धोते हैं ना आप लोग अर्घ चढ़ाने के लिए चावल वगैरह, ऐसे कर दिया था। अरे ये तो बात है, ये तो बात है, क्या बात है, ऐसा धोया नहीं करते, क्योंकि उसका बीजत्व जो है वह दोनों फलकों के बीच में ऊपर बाजू में एक पॉइंट जैसा रहता है, कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, प्राय करके लोग उसको दूर करना चाहते, दूर करते हैं ताकि उसे माइग्रेन जैसे दर्द होता, बताते हैं, हमें तो मालूम नहीं, लेकिन फिर अब वह यदि निकल गया तो वह बीजत्व समाप्त हो गया। उस किसान को मालूम था ही नहीं, उसने बोल लिया, तो वह बीजत्व क्या है, तो वहीं पर से अंकुर उत्पन्न होता है। इसलिए भोजन करने वाले क्या करते हैं, या खाने वाले उसको साफ करके खा लेते हैं, किंतु बीज के लिए साफ करके नहीं रखा करो है। और किसानी तो है ही नहीं, हो क्या, खरीद करके खाना है, जो मिल गया वही खा ली। तो वह बीजत्व क्या है, तो अंकुरित होता है, इसलिए उसको फोड़ना नहीं चाहिए, तो उसको जो का त्यों रखता है मूंगफली को, फिर बाद में जब बोना होता है तो उस समय उसको उस छिलके उतार करके उसके से जो भीतर की गुल्ली रहती है उनको जो कहते हैं वो जा करके बो लेता है, तो अंकुरित हो जाता है। कि हमारे पास जो कौन सा कर्म के बीजत्व है ये जानना है। मुँह और कषाय ये सारे के सारे वो बीजत्व हैं, यदि उसको
हम समाप्त कर देते हैं। समाप्त का मतलब ये है कि वह भीतर से तो रहेंगे, लेकिन नए सिरे से हम यदि उसको करेंगे नहीं क्रोध मान माया लोग, पक्का है वह उग ही नहीं सकता। धीरे धीरे कम होता हुआ जाकर के वह अपने समय पर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं मोह तो होता है, होने दो, मोह करो नहीं। कषाय तो आती है, आने दो, लेकिन करो नहीं। महाराज ऐसी कैसे होते होते करो नहीं, तो आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है, तो कर तो वो आने का अर्थ ही महाराज क्रोध करा ही देता है वो, ऐसा नहीं नहीं समझे। हाँ कैसे कहे करता जो नाक फूल जाती है, नहीं समझे इसका अर्थ, या फोर्स काफी है, आप एक घूंट पानी पी लो ठंडा हो जाए। दूसरी ये हानि बहुत बड़ी है, तुम थोड़े भी बोलोगे जवाब दोगे तो फिर तो बच नहीं पाओगे। हम जवाब दें तभी तो, जवाब दिलवा देते हैं फिर का क्या करोगे, मैं दूंगा नहीं दूंगा नहीं, ऐसे कहने से नहीं होता। ऐसे कितनी भी कोशिश करो राग द्वेष तो होते रहते भीतर से, लेकिन किए नहीं जाते। जा रहे हैं ये बिल्कुल हो रहा है, कैसे मान है, मान कषाय आ गए, आना अलग वस्तु और जाना अलग वस्तु और मान करना अलग वस्तु। इधर चढ़ा रहे हैं नारियल और फोटो उधर उतर रही, उधर जीख रहे हैं, वैसे आप चढ़ाते आ ही जाते फोटो में, लेकिन अब क्या आएगा, अब हम कहते इधर तो देखो। हम इधर देखो, इधर देखे महाराज उधर फोटो चला जाएगा, समझ में बाहर आ रही है, तो उधर देखना मान करना है। नारियल तो चढ़ गया लेकिन फोटो में नारियल न आ करके ये नारियल आ गया, बस इतिहास बन गया। महाराज तो यहाँ पर रहते ही नहीं है, बता देंगे देखो वहां पर हुआ था प्रवचन हुआ था, ऐसा हुआ था, उस समय हमने चढ़ाया था, ये बिल्कुल उपस्थित है, हाँ प्रमाण पत्र है ये। तो ये क्या है, ये प्रत्येक समय पर हम मान होना अलग है, मान करना अलग है। पहले मान होने दीजिए, कोई बात नहीं, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा महसूस भी हो सकता है उस समय। देखो ये लोग, कुछ लोग देख करके मुझे लुप्त बनाना चाह रहे हैं, मैं नहीं मानूंगा, निकल जाएगा काम, कुछ भी महसूस नहीं होता, ये बिल्कुल देवता स्वरूप है, भीतर से भले ही हो रहा हो लेकिन वो करने नहीं देता। बाहर की ओर मन से वचन से काय से उस मान की अभिव्यक्ति क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं करने रूप पुरुषार्थ यदि चलता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग की साधना। बरसों हो गए लेकिन अभी भी आंखें खुली नहीं, आंखें तो खुली है और आंखें की खुली रह गई और चल गए, होता है नहीं ऐसा, हाँ महाराज नहीं समझे, बिल्कुल आंखें खोलते नहीं थे लेकिन जब वो गए तो खुली खुली रह गए चले गए। ऐसा ही हम अब ऐसी साधना नहीं करना चाहिए। साधना का अर्थ यह है कि जो मैटर हमने बांधा है
उसके उदय में हमें सजग रहना है। उदय में कब आता पता नहीं लगता, कभी भी आ सकता है और दगा दे सकता है। वो दगा नहीं दे सकता, वो जा रहा होता है। कर्म कभी भी इस प्रकार आपको करेंगे ऐसा नहीं कह सकता, फिर भी आप यदि उसको कुछ संयत हो करके उसको अपने वश में रखते हो तो अवश्य ही आपकी साधना बन सकती है। और महाराज अभी तक तो ऐसा हमने किया ही नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं आप लोगों को, नहीं समझे? अब फोटो की ओर मत देखो, ऐसी फोटो की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन उस ओर देखोगे गड़बड़। इसी प्रकार प्रायः करके आहार के समय पर भी होता है नहीं होता है आप देख लो, होता है। मोबाइल बाहर रखा करो, एक बिल्कुल हमने परीक्षा कर ली, एक व्यक्ति रहता 16 पहना हुआ रहता है लेकिन उनका काम आहार देना नहीं होता। आधा पौन घंटा तक तो यही सब कुछ रहता है उनका, यही वेतन उनको मिलता है, आप लोगों ने नियुक्त किया होगा। तो इसलिए इंटेंशन यानी अभिप्राय पूर्वक जो व्यक्ति इन कार्यों को करते समय सावधानी रखता है, अभिप्राय अच्छा रखता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अंक नंबर मिलते हैं। नहीं हैं तो फिर मिलेंगे क्या मिलेंगे? नहीं, शून्य नहीं मिलता, हमें तो डबल शून्य मिलेंगे। हमें तो नंबर अंक तो मिलेंगे ज्यादा, और वैसे तो कहा ही है शून्य को भी संख्या मानी ही है, तो दो मिल गए, डबल मिल गए, त्रिपल मिल गए। भले स्वर्ग बढ़ जाए, स्वर्ग आ जाए, लेकिन मुक्ति और कर्म की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए मान के आप जीवन को मर्जित करो, उसको होने ना दो, और एकदम काम तो करो किंतु उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहो, तब कहीं जाकर के आपको अंक मिल सकते हैं, दिया जा सकता है। आप अपने आप अंक नहीं ले सकते हो, दे सकते हो? ऐसे विद्यालय वगैरह खुल रहे हैं, बताते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने विद्यार्थी है तो उसके लिए अच्छे अंक दिए जा सकते हैं, और दूसरा कोई विद्यार्थी हो प्रमाण पत्र बट रहे बताते हैं। हाँ महाराज, यह हम लोगों का सौभाग्य, बच्चे कहते हैं, नहीं समझे? हमारे लिए प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, तो काय के पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, सफल हो गए, किंतु काम करने योग्य नहीं है, क्योंकि अंक जो मिलते हैं यही प्रमाण पत्र है। और यदि काम होता है उसके लिए प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नौकरी के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और काम करना चाहो नहीं, नए की आवश्यकता, न निक्षेप की आवश्यकता, न प्रमाण पत्र की आवश्यकता। काम बता देता है किसने किया, काम किया है किसने किया, आज तक तो ऐसा है ही नहीं, देखा ही नहीं गया। हाँ, ऐसा आज तक विद्यालय देखा ही नहीं गया, इसलिए ऐसा काम देखा नहीं गया। काम से मतलब है क्या? प्रमाण पत्र से मतलब बताओ। हाँ, लेकिन आप लोगों के यहाँ प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, बताते हैं। हाँ,
उसकी भी वैरायटी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नहीं समझ, इसके अनुसार उसके लिए ए बी सी डी सी जी लग गई हुआ तो डी के बाद में निकल गए, क्या करेंगे। यही मूल्यांकन है आज का, नहीं चाहिए। मोक्ष मार्ग में भी ऐसा यदि हो जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है, हमें तो दिखाना नहीं है किंतु सही सही देखना है। कौन सा अच्छा है? देखना, दिखाना। सामने वाला व्यक्ति यदि मान लो आप देख रहे हैं, उसको देख ले तो ठीक है, उसके लिए भी अच्छा हो सकते, प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन उसने देखा क्या? नहीं, थोड़ी सी यूं देख लिया, गया। नकल नहीं करना चाहिए अपने को, किसी को दिखाने के लिए नहीं दिखाना, इसमें सम्यक दर्शन डाउटफुल है, संदेहास्पद है, किंतु देखना यह सम्यक दर्शन पक्का है। आपको पक्का चाहिए कि कच्चा? बच्चों बोलो पक्का। अच्छा, पक्का का अर्थ क्या होता है? यही मालूम नहीं बुंदेलखंड होकर के आप लोग, पक्का का अर्थ होता है पक्व, पक्का का अर्थ क्या होता है? सही नहीं, पक्व पक्व, हाँ, जो पकवा, तो पक्का दक्षिण में पका 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 बोलते हैं, पका क्या? पका आम, पका पक्का हो गया वो, प्राकृत ने उसको डबल कर दिया जाता है, इसलिए संस्कृत के साथ प्राकृत पढ़ेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? पक्का, पक्का का मतलब पक्व, पूर्ण पक्व। इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंक पूर्ण बनेंगे। पूर्ण अंक चाहते हो तो पूरी मेहनत करो, और यदि एक आध ही चाहते हो फिर देख लो, जैसे काम चलाओ, फिर काम चलाओ ही रहेगा, फिर माता पिता भी कहेंगे भैया ये काम चलाओ भी नहीं है, नहीं समझे। कमाऊ हो तो उस बच्चे के लिए ज्यादा देख रेख बोलो हो जाती है, समय पर सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और काम चलाओ यदि हो तो भैया काम चलाओ कर दो, अथवा बार बार कहेंगे तो भैया ये तो खाऊ है। क्यों हंस रहे हो? घर में यदि संख्या उनकी ज्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा? उस व्यक्ति को बताना होगा, देखो भैया तुम तो काम तो बहुत ढीले ढाले करते हो, और खाने को तो पक्का कच्चा नहीं, मेरे खाने को पक्का और काम को कच्चा, इसलिए बच्चा है। बिल्कुल ऐसा नहीं करो, बच्चों को पक्व बनाओ, पक्का बनाओ, भीतर से भी और बाहर से भी। साधना में पक्का होना चाहिए, यही है पका हुआ आम, जो हमेशा हमेशा बहुत ही स्वादिष्ट तो होता है लेकिन गुणकारी भी हुआ करता है। गुणों का मूल्य मोक्ष मार्ग में होता है, और केवल ऊपर ऊपर ही नंबर ले तो उसको के कुछ भी नहीं होता। अंक का अर्थ होता है अपने आप में संख्या तो है, लेकिन संख्या दो से प्रारंभ हो जाती है जैन सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार, किंतु अंक वह एक से प्रारंभ होता है। अंक में और संख्या में अंतर होता है। अंक
एक को अंक तो कह सकते हैं हम, शून्य को अंक भी नहीं कह सकते और नई संख्या कह सकते हैं, किंतु दो को संख्या कह सकते हैं और एक को अंक कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अंक जो है आत्मा का प्रतीक होता है और संख्या होने से फिर द्वैत आता है। द्वैत आता है तो फिर मुक्ति मिलना थोड़े से देर लगता है। आपको देर जाना है कि जल्दी है? गाड़ी में बैठ जाओ, जल्दी है तो, नहीं है तो प्रतीक्षा करो, जब आपका नंबर आ जाएगा तब मिल जाएगा। इस प्रकार ये जो कह सकता हूँ कि आप लोगों को पक्वता की ओर अवश्य दृष्टि रखना चाहिए, जिसमें सभी गुणों का समावेश होता है। अहिंसा परमो धर्म।